नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर पर आधारित 100 प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अपने मित्रों में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हार्डवेयर या वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी डाटा इनपुट, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? कंप्यूटरी भाषा में बग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी सिग्नेचर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों को। सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसी एरर को कंप्यूटर भाषा में बग कहा जाता है, बग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए कुंजीपटल, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉडम, ऑप्शन डी प्रिंटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी। मॉडम कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर चार, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? ऑप्शन ए एनएक, ऑप्शन बी एडवेक, ऑप्शन सी एडसेक, ऑप्शन डी यूनिवेक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एनवेक। सबसे पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में कौन सा WW का सही रूप है या WW की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए विंडो वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वेव वर्किंग विंडो, ऑप्शन सी वर्ल्ड वर्किंग वेव, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। WWW की फुल फॉर्म या सही रूप वर्ल्ड वाइड वेव होता है ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर छः, CPU का क्या अर्थ है, यानी CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन ए मोबाइल चिप, ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। सही उत्तर है पेंटियम के नाम से माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, WW के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी एन लसेल, ऑप्शन सी ली एन फियोंग, ऑप्शन डी बिल गेट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली WW के आविष्कारक और संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए साइबर स्पेस, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी मॉडम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, यानी प्रकाश भंडारण नामक शब्द सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग नहीं होता, जबकि साइबर स्पेस अपलोड और मॉडम सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन नंबर एक ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वाल्व, ऑप्शन सी क्रोड स्मृति, ऑप्शन डी अर्धचालक स्मृति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पहले यानी जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें वाल्व प्रयुक्त किए जाते थे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अनुपम क्या है? ऑप्शन ए एक शोध संस्थान, ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। दोस्तों देखते रहिए स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस, कंप्यूटर 100 प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर विकास किस संस्था ने किया है? ऑप्शन ए सीडेक ने, ऑप्शन बी IIT कानपुर ने, ऑप्शन सी बार्क ने, ऑप्शन डी IIT दिल्ली ने। सही उत्तर है ऑप्शन
सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी डैक। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ऑप्शन ए परमपदम, ऑप्शन बी फ्लॉस साल्वर मार्क, ऑप्शन सी चिप्स, ऑप्शन डी अनुपम। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुपम, अनुपम कंप्यूटर परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट होता है ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन बी 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों का, ऑप्शन डी 2 दशमलव अंकों का। सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का एक बाइट बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी खेल। सही उत्तर है ऑप्शन ए कंप्यूटर, स्पैम शब्द या विषय कंप्यूटर से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक या यूनिट है। ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी संप्रतीक प्रति सेकंड, ऑप्शन सी प्रति बिट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी नैनो सेकंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी बिट प्रति सेकंड, डाटा के प्रेषण की गति को मापने की सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली यूनिट है या इकाई है। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन ए मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा या कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी HCLTech। सही उत्तर है ऑप्शन बी TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है। सही ऑप्शन नंबर ए रैम में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क में। सही उत्तर है ऑप्शन ए रैम में। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी CD-ROM। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति या परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, जिसे हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों देखते रहिए कंप्यूटर 100 प्रश्नोत्तरी अंत तक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए इंकजेट मुद्रक, ऑप्शन बी प्लाटर, ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ऑप्शन डी स्पीकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। क्वेश्चन नंबर 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फोर्ट्रान, ऑप्शन डी पास्कल। सही उत्तर है ऑप्शन सी फोर्ट्रान सबसे पहले विकसित की गई कंप्यूटरी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी सिलिकॉन से, ऑप्शन सी सीसा से, ऑप्शन डी कॉपर से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर के चिप अधिकांशतः या सामान्यतः सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा CRT का हिस्सा नहीं। ऑप्शन ए फॉस्फर प्रपट, ऑप्शन डी ऑप्शन बी छाया आच्छद, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन गन, ऑप्शन डी गैस प्लाज्मा। सही उत्तर है ऑप्शन डी।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में निम्न में कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए डाई लेजर, ऑप्शन बी गैस लेजर, ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर, ऑप्शन डी उत्तेज दिए लेजर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स ने, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज ने, ऑप्शन डी मार्कोनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला विश्व का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्नलिखित के प्रयोग से? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी समाकलित परिपथ चिप, ऑप्शन सी नैनो पर पदार्थ, ऑप्शन डी अति संचालक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाकलित परिपथ चिप के कारण आधुनिक कंप्यूटरों का छोटा रूप संभव हो सका है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृत्ताकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जलक्रम मॉडल, ऑप्शन बी श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन सी संबंधात्मक मॉडल, ऑप्शन बी बहुआयामी मॉडल। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रेणीबद्ध मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बिट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बग कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रचालन तंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है, जबकि कीबोर्ड प्रिंटर माउस ये सभी यंत्र सामग्री या कंप्यूटर की यंत्र सामग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुदूर संचार नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय नेटवर्क, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन डी मूल्य योजना योजक नेटवर्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसको लान या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन ए फाइबर से, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन सी प्लास्टिक से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर के आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से या अर्धचालकों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति या इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंप्यूटरों में आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली निवेश या इनपुट युक्ति है माउस। क्वेश्चन नंबर 35, पद MB प्रयोग किया जाता है, यानी MB शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, ऑप्शन बी मेगा बाइट्स के लिए, ऑप्शन सी मेगा बिट्स के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, MB का प्रयोग मेगा बाइट्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन बी याच्छादित अभिगम स्मृति पर, ऑप्शन सी केवल माउस स्मृति में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, याच्छादित अभिगम स्मृति में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मार्कोनी ने, ऑप्शन बी एलन एम टूरिंग ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर
38 कंप्यूटर की भाषा में एक मेगा बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगा बाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 लाख के, ऑप्शन बी 10 लाख के, ऑप्शन सी 10,24,000 के, ऑप्शन डी 10,48,576 के। सही उत्तर है ऑप्शन डी। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट 10,48,576 बाइट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस या रेंज होता है? ऑप्शन ए 16 बिट तक, ऑप्शन बी 32 बिट तक, ऑप्शन सी 64 बिट तक, ऑप्शन डी 128 बिट तक। सही उत्तर है ऑप्शन सी 64 बिट तक। सुपर कंप्यूटर के लिए जो रेंज होती है वो 64 बिट तक होती है। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं? ऑप्शन ए आंकड़ों को, ऑप्शन बी उपकरणों को, ऑप्शन सी प्रोग्रामों को, ऑप्शन डी हार्डवेयर को। सही उत्तर है कंप्यूटर वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है जो केवल कंप्यूटर प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मॉडम, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी प्रिंटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉडम। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग का भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? ऑप्शन ए डाटा को, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑप्शन डी हार्डवेयर को, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर को। सही उत्तर है ऑप्शन सी। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है जबकि डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम छूकर या स्पर्श करके नहीं देख सकते। देखते रहिए दोस्तों, स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस, कंप्यूटर पर आधारित 100 प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 43, डॉट मैट्रिक्स किस का एक प्रकार है? ऑप्शन ए टेप का, ऑप्शन बी डिस्क का, ऑप्शन सी प्रिंटर का, ऑप्शन डी बस का। सही उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से? ऑप्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक से, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से, ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन डी मदरबोर्ड से। सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों से होता है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है? ऑप्शन ए सर्किट बोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी नेटवर्क कार्ड। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट प्रकार की डिवाइस होती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सीडी रोम। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर की परमानेंट इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती हैं? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन डी सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं जो एक अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन सी या कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जावा। सही उत्तर है ऑप्शन डी जावा एक
हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से किस मत। क्वेश्चन नंबर 51, लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मॉडम, ऑप्शन सी इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी केबल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क या लान में मॉडम का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड और केबल इन सभी का प्रयोग लान या लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किया किसके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडम से, ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्ट से, ऑप्शन सी इंटरफेस से, ऑप्शन बी डी बफर मेमोरी से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि उपयोग की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखते रहिए स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस को। कंप्यूटर 100 प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन ए सुपर डुप्लेक्स, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। सही उत्तर है ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 54, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए मैन फ्रेम, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उपयुक्त या उस युक्ति का क्या कहते हैं, उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी मॉडम, ऑप्शन डी IO पोर्ट्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉडम। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग नहीं है। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी लॉगिंग, ऑप्शन सी आर्ची, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सही उपयुक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में प्रोटोकॉल आर्ची और लॉगिंग सभी प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी एल्टा विस्टा, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन डी ऑर्कुट। सही उत्तर है ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट, ये इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल एल्टा विस्टा ऑर्कुट ये सभी सर्च इंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संचार नेटवर्क इसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए लान, ऑप्शन बी वान, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वान। सही उत्तर है ऑप्शन बी वन। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए इंप्यूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सर्च इंजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है, जबकि ब्राउजर लिंक सर्च इंजन इंटरनेट से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी कीबोर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन डी कीबोर्ड, कीबोर्ड स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी कंप्यूटर सर्किटरी, ऑप्शन डी ह्यूमन ब्रेन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स।
क्वेश्चन नंबर 64, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए नोटबुक, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है ऑप्शन सी 66। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में पहले से ऑन कंप्यूटर का रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी शटडाउन, ऑप्शन डी वार्म बूटिंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन डी ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी प्रिंटर ड्राइव, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। सही उत्तर है ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर ड्राइव ये सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंडर, ऑप्शन डी रिसीवर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं होता, जबकि सेंडर इनबॉक्स और रिसीवर ये सभी ईमेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए गैदरिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी इनपुटिंग, ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ डाउनलोडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर पर आधारित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, यानी कंप्यूटर में ज़्यादातर एरर्स आते हों किस वजह से आते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रमादेश त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर की विफलता, ऑप्शन नंबर सी मीडिया में दोष, ऑप्शन नंबर डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डेटा प्रविष्टि में एरर या त्रुटि के कारण ही कंप्यूटर में ज़्यादातर त्रुटियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन नंबर सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 1024 बाइट बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर एक 1 टेराबाइट के, ऑप्शन नंबर दो 1 गीगाबाइट के, ऑप्शन नंबर सी 1 मेगाबाइट के, ऑप्शन नंबर डी 1 किलोबाइट के। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं 1024 बाइट्स। देखते रहिए दोस्तों अंत तक कंप्यूटर 100 प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 74, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? ऑप्शन नंबर एक बेसिक भाषा, ऑप्शन नंबर बी कोबाल भाषा, ऑप्शन नंबर तीन मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर डी फोर्ट्रान भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं? ऑप्शन नंबर एक गीगाबाइट के, ऑप्शन नंबर बी 1 किलोबाइट के, ऑप्शन नंबर सी मेगाबाइट के, ऑप्शन नंबर डी टेराबाइट के। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10 लाख बाइट्स 1 मेगाबाइट्स के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर एक चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी पुणे में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुणे में, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, पर कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर एक सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर का, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों का, या ऑप्शन नंबर डी किसी का नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर में विंडो जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार होती है।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण या स्टोरेज उपकरण है एक के अलावा, हार्ड डिस्क ड्राइव, बी फ्लॉप डिस्क ड्राइव, सी सीडी ड्राइव, डी प्रिंटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। प्रिंट करने के लिए प्रयोग की जाती है जो एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉप डिस्क ड्राइव ये सभी स्टोरेज ड्राइव होती हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन सी सिलिकॉन चिप, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक वैक्यूम ट्यूब। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 80, सीडीज का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर एक वर्गाकार, बी आयताकार, सी गोलाकार या डी षटकोणीय। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीडी का आकार गोलाकार होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक इनपुट, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी सिस्टम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82, DTP का पूरा रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन ए डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन डी डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, DTP की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 83, DOS का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 84, JDBC इसका सूचक है? ऑप्शन नंबर एक जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, JDBC का सूचक या फुल फॉर्म है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, LAN इसका लघु रूप है यानी LAN का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी लार्ज एरिया नोड्स, ऑप्शन नंबर डी लोकल एरिया नेटवर्क। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है KB का? ऑप्शन नंबर ए की ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी कर्नल बूट, ऑप्शन नंबर सी किलोबाइट, ऑप्शन नंबर डी किट बिट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, KB का कंप्यूटर भाषा में सही उत्तर है किलोबाइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ए है इलेक्ट्रिकल मेल, सी है इलास्टिक मेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस में रिजर्व रहता है? ऑप्शन नंबर एक रजिस्टर में, ऑप्शन नंबर दो बिट्स में, ऑप्शन नंबर सी बाइट्स में, ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम्स में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम्स में। क्वेश्चन नंबर 89, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन नंबर एक माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन नंबर बी AT&T ने, ऑप्शन सी IBM ने, ऑप्शन डी जीरोक्स ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीरोक्स ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 90, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर ए
एक ऑपरेशन सिस्टम का, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर ए 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1970 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1973 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोलॉग भाषा या लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज 1972 में विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। ब्लॉग शब्द किन शब्दों का संयोजन है? ऑप्शन ए वेबलॉग, ऑप्शन बी वेबलॉग, वेब लॉग या वेब लॉग, ऑप्शन सी वेब ब्लॉग, ऑप्शन डी वेब लॉग। सही उत्तर है ऑप्शन सी वेब ब्लॉग। ब्लॉग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वेब और ब्लॉग से, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे कोई भी छू नहीं सकता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरमन हेलेरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, ऑप्शन डी जोसेफ ज्यूगार्ड जैक्यूड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन डी सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 96, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन बी दशमलव अंक पद्धति, ऑप्शन सी अनुरूप गणना पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आधुनिक कंप्यूटर्स में द्विआधारी बाइनरी अंक सिस्टम का यूज किया जाता है। सही क्वेश्चन नंबर 97, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबाल, ऑप्शन डी पास्कल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोबाल। कोबाल कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर 98, फोर्ट्रान अलगोल पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नीम का पत्थर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है ए सी प्लस प्लस, बी बेसिक, सी कोबोल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फोर्ट्रान अलगोल पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए बेसिक भाषा को सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन डी मुंबई में, ऑप्शन डी चेन्नई में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। सबसे पहले भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था देश की राजधानी नई दिल्ली में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी एम एस वर्ड, ऑप्शन डी ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी सॉफ्टवेयर संसाधन के रूप में पेसमेकर, एम एस वर्ड और वर्ड स्टार सभी यूज किए जाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप हमारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ का आनंद ले सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारी अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल पर। धन्यवाद।